नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जीमेल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। जी हाँ, अगर आपने नया मोबाइल लिया है या फिर अपने मोबाइल को रिसेट किया है तो अब आप यूट्यूब खोलते हो या प्ले स्टोर खोलते हो तो चालू नहीं होता है, ठीक है। हमको दोनों में ही अपने जीमेल आईडी से साइन इन करना पड़ता है। तो वो जीमेल आईडी बनाते कैसे हैं या फिर अपनी जो पुरानी जीमेल आईडी है वो हमको याद है, उस जीमेल आईडी से लॉगिन कैसे करते हैं, तो दोनों ही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जीमेल आईडी बनाने के लिए आप अपने मोबाइल में कोई भी ऐप ओपन कर सकते हो, चाहे वो प्ले स्टोर हो चाहे यूट्यूब हो। चलिए हम यूट्यूब चालू कर लेते हैं। तो दोस्तों, कोई भी ऐप ओपन कर सकते हैं और किसी में भी लॉगिन कर सकते हैं, वो पूरे मोबाइल में ही लॉगिन हो जाता है, ठीक है। चलिए यूट्यूब चालू करता हूँ। तो दोस्तों, मेरी जीमेल आईडी यूट्यूब में पहले से ही लॉगिन है, इसलिए यहाँ पर मेरा फोटो दिख रहा है। अगर आपके मोबाइल में एक भी जीमेल आईडी लॉगिन नहीं है तो हो सकता है यहाँ पर फोटो की जगह आपको साइन इन लिखा हुआ मिले, ठीक है। या फिर हो सकता है कि पूरा यूट्यूब ही चालू ना हो, यूट्यूब के बीच में ही आपको साइन इन का ऑप्शन आ जाए। तो दोस्तों, जैसे ही मैं स्विच अकाउंट पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं मैं जिन जिन जीमेल आईडी से इस मोबाइल में लॉगिन किया हुआ हूं वो सभी जीमेल आईडी यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए नई जीमेल आईडी बनाने के लिए इस प्लस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, आप अपने मोबाइल पर साइन इन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने भी इसी तरह का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों, अगर आप पुराने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना चाहते हो तो यहाँ पर ऊपर अपना पुराना वाला जीमेल अकाउंट डाल दीजिए, और अगर आप नई जीमेल आईडी बनाना चाहते हो तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद फॉर माई सेल्फ पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा अपना नाम डालने का, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली अपना नाम डाल दीजिए और नीचे अपना सरनेम डाल दीजिए। आप जैसे ही यहाँ से नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने एक और ऑप्शन आता है डेट ऑफ बर्थ वाला, ठीक है। यहाँ से आप अपनी कोई भी डेट ऑफ बर्थ भर सकते हो या आप फर्जी भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है मेल हो, फीमेल हो या अदर हो। तो मैं मेल हूँ तो मैं मेल पर सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हमारे सामने आता है जीमेल आईडी का मेन ऑप्शन, जो कि हमको चूज करना होता है कि हमारी जीमेल आईडी क्या होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे अपना नाम लिख दिया और इसके आगे कुछ मैथ के नंबर लिख दिए। दोस्तों, जीमेल आईडी हमेशा यूनिक होती है, वो एक ही नाम जैसी दो जीमेल आईडी नहीं बन सकती है, इसलिए हम आगे थोड़े नंबर लिखते हैं ताकि हमारी जीमेल आईडी थोड़ी अलग हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा, यहाँ पर लिखकर आ रहा है दिस यूजर नेम इज टेकन, इसका मतलब यह है कि इस नाम से पहले से कोई की जीमेल आईडी बनी हुई है, ठीक है। चलिए कोई और दूसरा नंबर चूज करते हैं फिर डालकर देखते हैं। तो दोस्तों, अब हमारी जीमेल आईडी बन चुकी है। अब हमको क्या करना है, अपनी जीमेल आईडी पर पासवर्ड डालना है, ठीक है, सेट करना है पासवर्ड। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दीजिए और नीचे अपने पासवर्ड को कन्फर्म कर दीजिए। तो दोस्तों, पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से इसको नीचे से नेक्स्ट कर दीजिए। इसको नेक्स्ट करने के बाद इसको नीचे स्क्रॉल कीजिए और नीचे जाकर यस आई एम इन पर क्लिक कीजिए। यहाँ से इसको नेक्स्ट कर दीजिए। आपकी जीमेल आईडी तैयार हो चुकी है, सूर्य कुशवाहा आपका नाम है, ठीक है। इसको नेक्स्ट करने के बाद इसको भी नीचे स्क्रॉल कीजिए और आई एग्री पर क्लिक कीजिए। आप जैसे ही आई एग्री पर क्लिक करोगे तो आपकी जीमेल आईडी बनकर तैयार हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में पहले से कोई भी जीमेल आईडी नहीं है तो आपके मोबाइल में अपने आप ही जीमेल आईडी लॉगिन हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई अच्छा लगता हो तो इन पर क्लिक कर लीजिए, अन्यथा नो थैंक्स पर क्लिक कीजिए, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपका प्ले स्टोर नहीं खुल रहा हो था तो अब आपका प्ले स्टोर भी खुल जाएगा, क्योंकि हमने जीमेल आईडी लॉगिन कर चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सीख गए होंगे कि जीमेल आईडी कैसे बनाते हैं या फिर पुरानी जीमेल आईडी से लॉगिन कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर जाकर और भी टेक्निकल वीडियो देख सकते हैं, ठीक है।